विद्या किचन में स्वागत है। आज मैं आपको खस्ता कचौड़ी बनाना सिखाती हूँ, जो रवा और मक्के के आटे से बनती है। और इसमें जो इसकी रेसिपी जो है बहुत ही सरल है। इसमें जिन सामान का प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार से है। 8 से 10 हरी मिर्च लेंगे, आधी कटोरी हम छोटी लहसुन की कलियाँ लेंगे, एक छोटा टुकड़ा हम अदरक का लेंगे और आधा कटा हुआ नींबू। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिला करके मिक्सर में पीस लेंगे। मिक्सर में पीसने के बाद हमारा पेस्ट कुछ इस प्रकार से होगा। और इसमें हम 8-10 बूंदें नींबू की निचोड़ देंगे। अब मिश्रण बनाने के लिए जो हमें आवश्यकता पड़ेगी वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम रवा लेंगे और उसके बाद में हम मक्का लेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को भी 2 चम्मच बड़ी इसमें डाल देंगे। 2 बड़ा चम्मच हम इसमें पेस्ट मिलाएंगे और 2 बड़े चम्मच गरम करके देसी घी लेंगे। इसे गरम करके हम इसमें मिलाएंगे जो पेस्ट मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। इसमें भुना हुआ जीरा और अजवाइन का भी पाउडर हमने डाला है और आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। मैंने नमक इसमें छोटी चम्मच आधी डाली है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को हम जो हमने तैयार करके रखा है गुनगुने पानी से जिस मिश्रण को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे, जब तक कि हमारा मिश्रण अच्छी तरह से ना मैश हो जाए। और इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। मिश्रण हमने पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो उसके बाद जब हम उसका डो बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई पड़े, जो मैंने कुछ 1 घंटा पहले ही बना के रख रखा है। इसे 1/2 चम्मच घी लगा करके ढक करके हमें रखना ज़रूरी होता है। यदि अगर आपको इसकी खस्ता कचौड़ी जल्दी बनाए तो आप इसे 15 मिनट रखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1/2 घंटा रखिए। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक हम इसके अंदर भरने वाला पेस्ट बना लेते हैं। 2 आलू हमने कद्दूकस किए हुए हैं और जो हमने पेस्ट बनाया था उसे उसमें मिक्स करके थोड़ा सा नमक 1/4 चम्मच मिला करके इस प्रकार से हमने डो बना के रखा है। इसे हम अपनी खस्ता कचौड़ी के अंदर भरेंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब है। गैस घी को हम आँच पर रखेंगे, जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसे मीडियम आंच पे कर देंगे। खस्ता कचौड़ी की हम लोई इतनी बड़ी लेंगे, अगर आप चाहें तो ज़्यादा बड़ी भी कर सकते हैं थोड़ा। और इसके अंदर पेस्ट जो हमने बनाया था आलू और लहसुन और मिर्च का वो बहुत ही थोड़ा भरना है, इससे कचौड़ी हमारी बाहर फट ना जाए और इसके अंदर तेल ना चला जाए। इस प्रकार से हम बहुत ही हल्के हाथ से बेलेंगे। तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसे हम मीडियम आँच पर रखेंगे और इसमें हम बेली हुई अपनी खस्ता कचौड़ी को डालकर सेक लेंगे। खस्ता कचौड़ी जब तक हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से ना सिक जाए, कुरकुरी ना हो जाए, तब तक हम इसे धीमी आंच पर ही सेकेंगे। खस्ता कचौड़ी हमारी इस प्रकार से तैयार है। हमने गैस को बंद कर दिया है, ये देखिए खस्ता कचौड़ी अब आपके लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आप इसे सुबह नाश्ते में और लंच में दोनों में ही प्रेमपूर्वक खाइए। आप इसे दही और लहसुन की चटनी, थोड़ा सा प्याज का सलाद रखिए और उसे सर्व कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।